हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियोस में। मैं हूं विपुल और आप लोग देख रहे हैं पॉपुलर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शाओमी एक नया फोन जो है चाइना में लॉन्च कर दिया है रेडमी नोट 11 प्रो नाम से। ऐसे में दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग इंडिया में भी हो चुका है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन दोस्तों रेडमी नोट 11 प्रो जो है इंडिया में लॉन्च होने वाला है, वो होने वाला है रेडमी नोट 11 टी नाम से। तो भाई डिवाइस काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद आया है। ऐसे में दोस्तों जिस हिसाब से चाइना में आया है, क्या इंडिया में वैसा ही जो है सेम आने वाला है? क्या प्राइस को उतना ही रखा जाएगा या चेंजेस किया जाएगा? सब कुछ जानकारी जो है आपको देने वाला हूँ, तो वीडियोस को एंड तक देखना। सबसे पहले दोस्तों बात करूँ रेडमी नोट 11 प्रो जो है, ये डिवाइस देखने में काफ़ी अच्छा है। 5G डिवाइस है, मुझे पसंद आया, डिज़ाइन भी पसंद आया, कलर भी पसंद आया। वैसे में अगर इंडिया में वैसा ही आता है तो भाई सभी पसंद करेगा, लेकिन क्या इसमें चेंजेस किया जा सकता है? ऐसे में बताया जा रहा है भाई कुछ कुछ चेंजेस जो है हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बॉडी की कलर के बारे में। ऐसे में दोस्तों तीन कलर में जो है Redmi Note 11 Pro आया है, जो कि इंडिया में Redmi Note 11 T नाम से आएगा। तीन कलर आएगा जिसमें अलग अलग वेरियंट देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में 4GB, 64GB, 8GB, 128GB एंड 8GB 120 के साथ 256GB, इस तरह से वेरिएंट जो है आ सकता है, ऐसा जानकारी आ रहा है। तो बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले दोस्तों 6.6 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले होने वाला है, जिसमें 90 रिफ्रेश रेट मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आएगा। 20.1 जो है बॉडी रेशियो है और प्लास्टिक बॉडी जो है आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है, वैसे भी लगता है। साथ ही साथ अगर बात करूँ दोस्तों फिंगरप्रिंट की, तो ऐसे में जो है पावर बटन में जो है आपको साइड में देखने के लिए मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त काम भी करता है। फिजिकल फिंगरप्रिंट जो है बहुत ही काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों बात करूँ कैमरे के बारे में, तो ऐसे में कैमरा बताया जा रहा है इसमें डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है इसमें, चेंजेस जो है होने वाला है ही नहीं कैमरे की तरफ से अगर ध्यान दें तो। ऐसे में डुअल कैमरा मिलेगा जिसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा होने वाला है, जो कि सोनी की तरफ से IMX586 लेंस के साथ आएगा। साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल जो है अल्ट्रावाइट फोटोज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, जिसमें सोनी का लेंस होने वाला है। साथ ही साथ बात करो दोस्तों फोन साइड कैमरे की, ऐसे में दोस्तों कुछ पिक्चर जो है निकल के आ चुका है, ये देख सकते हो कुछ पिक्चर आया है। उस हिसाब से बता दूँ दोस्तों इसमें 16 मेगापिक्सल की कैमरा मिलने वाला है, जो कि फ्रंट में होने वाला है। काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा है दोस्तों, सोनी के साथ लेंस के साथ आ रहा है, बहुत ही अच्छा खासा जो है काम करेगा, बहुत ही अच्छा खासा फोटो दे सकता है। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो ऐसे में दोस्तों प्रोसेसर बताया जा रहा है इसमें डायमंड सिटी का प्रोसेसर आने वाला है 810, जो कि 5G बेसिस प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा खासा काम करेगा। 7 नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर जो है चलता है, देखने में भी बहुत ही मस्त है और काम करने में और भी मस्त है। तो भाई अंदाजा लगा सकते हो कितना भाई ज़बरदस्त होने वाला है। ग्राफिक कार्ड बोल रहा है मेली के तरफ से G72 मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। LPDDR4X रैम मिलेगा, काफ़ी सही है, ज़बरदस्त है। और भाई 4GB 64 वेरियंट जो है, अगर उसको लेना चाहते हो तो भाई 16,999 रुपीज़ जो है बता रहा है इंडिया में, तो ऐसे में भाई काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों बैटरी की तरह अगर ध्यान दूँ तो ऐसे में इसमें 5000 mAh के आपको बैटरी मिलेगा, जिसमें 32W का फास्ट चार्ज आने वाला है। डिवाइस 5G है, ऐसे में प्राइस इंक्रीज ना हो कुछ कुछ चेंजेस जो है किया जा रहा है। तो भाई कुछ इस तरह से जो है Redmi Note 11 T जो है आने वाला है, Redmi Note 11 Pro जो है इसमें कुछ कुछ चेंजेस करके जो है Redmi Note 11 T नाम से आएगा। इसमें जो है लॉन्च बता रहा है भाई अभी जो है 13 नवंबर को बता रहा है, बहुत सारा लीक स्टार या बोल सकते हो बहुत सारा लीक जो है आया है उसी हिसाब से 13 नवंबर बता रहा है। लेकिन मान के चल सकते हो जनवरी की जो है फर्स्ट वीक में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा Redmi Note 11 T। ऐसे में दोस्तों जैसे डिवाइस आएगा मैं भी खरीदने के लिए कोशिश करूँगा, खरीद के भाई आपको अनबॉक्सिंग दूंगा, सब कुछ दूंगा, जानकारी जो है पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। तो ऐसे में भाई मेरे पास तो उतना डिवाइस आता नहीं है या कोई भी मुझे ऑफर करता नहीं है भाई इसको अनबॉक्सिंग करो, तो भाई मेरे पैसे से जाएगा, जो भी होगा मेरे पैसे से होगा। तो भाई जो भी यूनिक चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा, खरीदना चाहिए नहीं चाहिए सब कुछ डिटेल जो है आपको आने वाला है, आपको मिलने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।